राष्ट्रकवि मंच की काव्य यात्रा छत्तीसगढ़ से ऐतिहासिक सीताकुंड पहुंची। कार्यक्रम में उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम गणेशी लाल जी अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। महामहिम का स्वागत पारंपरिक वेशभूषा में वनवासी बोड़ा छात्राओं ने किया। लोक वाद्यों के साथ वे वहां आए। मलकानगिरी के घंगौर जंगलों में सीताकुंड स्थित है। राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रकवि संगम के अध्यक्ष जगदीश मित्तल जी, राष्ट्र मीडिया प्रभारी ललित कुमार शर्मा जी, पीके आजाद जी, डॉक्टर शंभू मनहर जी, किशोर पारेख जी, सुरेंद्र नायक जी व अन्य का स्वागत किया। महामहिम ने कहा कि मां सीता में कोटि कोटि पार्वती विद्यमान है। भगवान राम को शबरी में तीनों माताओं के दर्शन हुए। उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि राष्ट्र कवि संगम व 1 लाख रुपए की राशि बोड़ा नृत्यांगनाओं को भेंट करने की घोषणा की। वहां के स्थानीय प्रशासनिक बंधुओं का सम्मान किया। जो 13 जिलों में जिनको उनको मैं कुछ संख्या में बुलाऊंगा राज, और अगर जाने का हुआ, जैसे कोरोना का भी कुछ खतरा नहीं है, जाने का हुआ तो हम जाएंगे और घरों में भी जाएंगे। सर एक और सवाल था, मतलब रामायण सर्किट जो बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जो नेपाल और भारत श्रीलंका को लेकर के केंद्र सरकार का सबसे मजबूत प्रोजेक्ट माना जाता है टूरिज्म को लेकर, क्या इस टूरिज्म के साथ हमारा भंडारी और मलकानगिरी का जो दो जगह है इसको लिया जाए? अभी भी कोरापुट में और सोनपुर में अभी इको रिट्रीट चलने वाला था, लेकिन समाहौर अगर वो ठीक से काम नहीं कर सके इसलिए उनका कैंसिल हो गया, लेकिन अगली बार इको रिट्रीट भी यहाँ रहेगा, और इसलिए इको रिट्रीट भी रहेगा तो कोरापुट, कालाहांडी और मलकानगिरी ये सब लोग भी, ये भी बीच में इंक्लूड रहेगा। 13 का 13 जिला जो भी है, जिम्मेदारी बेसिकली राष्ट्रपति महामहिम महोदय की तरफ से गवर्नर्स को रहती है, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है और पूरी कोशिश है, और अभी भी मैंने यही बोला कि सीता तो महारानी बन गई है तो गोंडा जाति के लोग का महारानी बनेगी। भगवान राम वनवास में जिन स्थानों पर गए उन सब स्थानों पर राष्ट्रीय कवि संगम की काव्य यात्रा अशोक वाटिका से प्रारंभ हुई है। महाशिवरात्रि को रामेश्वरम पर ये रथ लेकर के हम निकले और रामनवमी पर अयोध्या में जाकर यात्रा संपन्न होगी। हम लोग ये मानते हैं राम जी वनवास में जाते समय जिन लोगों से मिले, जिन लोगों ने उनका सहयोग किया, उन लोगों को ये भी कहा कि वापस आते समय फिर मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल पाए क्योंकि पुष्पक वन से जाना उनकी अनिवार्यता हो गई भरत के कारण से, कि मैं एक दिन भी लेट हुए 14 साल से तो मैं नहीं मिला, तो इस कारण से वो रास्ते के लोगों से नहीं मिल पाए। और रास्ते भर के लोग यानी आज जो यहाँ उड़ीसा में लोग रह रहे हैं, मलकानगिरी क्षेत्र में रह रहे हैं, इनके पूर्वज जिन्होंने राम जी का सहयोग किया होगा। साय विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरे जयपुर ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात वंदे उत्कल जननी के साथ किया। भरपूर श्रोताओं के मध्य रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से शाम को यादगार बनाया। पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य द्वारा मनमोहक रामायण की प्रस्तुति दी व गुजराती समाज की ओर से गरबा प्रस्तुत किया गया। सत्यनारायण जी मौर्य ने अपने जीवन में अच्छाई को अपनाने पर बल दिया। जगदीश मित्तल जी, महेश शर्मा जी, डॉक्टर शंभू जी व अन्य कार्यकर्ताओं व कवियों का सम्मान किया गया। अग्रसन समिति मयंक अग्रवाल जी, गजानन शर्मा जी, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, मारवाड़ी समाज व स्थानीय जन साधारण का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पुष्पा सांधी व साक्षी गोपाल पांडा जी ने किया। जान जाए पर वचन टूटे नहीं, अपना वचन का मान रखना वास्तविक पुरुषार्थ होता है। वचन का मान रखना वास्तविक पुरुषार्थ होता है। उठाइए जोरदार तालियां भाई किशोर पारेख जी की अगुवानी में। क्या कहीं केवट को सम्मान दिलाना, कहीं शबरी को सम्मान दिलाना। शबरी ने कहा कि राम तुमको तो यहां आना ही था क्योंकि रावण को मारने के लिए जाना था। राम ने कहा कि ये काम तो मैं अयोध्या में बैठे बैठे भी कर सकता,
यहाँ तो मैं केवल तुमसे मिलने के लिए आया, केवल और केवल तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए आया और यह संदेश देने के लिए कि जब देश की सर्वोच्च सत्ता, देश की सर्वोच्च सत्ता छोटी से छोटी झोंपड़ी में रहने वाले अभावग्रस्त व्यक्ति को जाकर के मिलती है तब देश में राम राज्य आता है, ऐसे नहीं आता। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो उन्होंने किए, केवट की नाव में बैठ करके उसको सम्मान देना, तो गंगा पार करने के लिए जो सबको भव सागर से पार करवाते हैं और उनको गंगा पार करने के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती तो केवट को यश दिलाना था और इस प्रकार की मित्रता का भाव देश में बने ये संदेश देना था। लेकिन आज भी हम अपने मन के अंदर झांक करके देखें, कोई सामान्य व्यक्ति, कोई अभावग्रस्त, कोई गरीब व्यक्ति नहीं, मेरा बच्चा नंबर एक का आवारा बने, गधा बने, खून चूसो बने, लेकिन बाबा नहीं बने। मतलब ये तो आपको भी हुकुम बना गया, मेरे जी और किसी साधु को ना तेल लगाएगा आपको। जयपुर के महान निवासी हो, कचरा लेके आए हो जयपुर की सड़कों पे, इंदौर से आए हो इसलिए बोल रहा हूं। अमेरिका की सड़कें इसलिए साफ नहीं क्योंकि अमेरिका की नगर पालिका अच्छी है। अमेरिका के लोग मूंगफली भी खाते हैं तो मूंगफली के छिलके अपनी गाड़ी में रखते हैं, जेब के अंदर रखते हैं। ताली बजाओ, प्रधानमंत्री किसी बुक की ओपनिंग करते हैं तो उसको भी कागज को निकाल जेब में रख लेते हैं। ऐसे देश महान नहीं बनता जैसे आप सोच रहे हो। अच्छा देखो, सच बात, मैं तो आपसे जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपसे कोई गरज नहीं है, मेरे को आपसे पैसा चाहिए नहीं, मेरे को आपसे तिलक लगवाना नहीं, मेरे को आपसे कोई पांव छिलवाना नहीं, बस महाराज जी के पांव छियो। मैं तो एक बार बताता हूँ, महाराज जी के पांव छीने से अच्छा है अपने अपने घर जाकर अपने माँ बाप के पांव छीले ना, माँ बाप का भी आशीर्वाद मिलेगा, मेरा भी मिलेगा। वाह वाह। और सुनो, इससे ज्यादा अच्छी बात, इससे भी आगे की बात, आजाद जी एक काम करना, अगर राम की सच्ची भक्ति करना का एक तरीका बता रहा हूं, कल से संकल्प लेना मैं कहीं राम जी के मंदिर में पांव नहीं छूंगा, मैं किसी दूसरे की मानता की वर्णन नहीं गाऊंगा, लेकिन कल से सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करूंगा कि खुद के पांव छीने की इच्छा हो। वाह यार, तेरे क्या काम किया। वाह वाह वाह, तो नारायण करिए अच्छे लोगों के पांव छीएंगे, एक मोदी अच्छे, एक योगी अच्छे, राम जी अच्छे, कृष्ण जी अच्छे, हनुमान जी अच्छे, हम तो बनाएंगे अच्छे दो मरोड़ लुच्चे। ऐसे गलत बोल रहा हूं क्या? संकल्प लेना। केकई नाराज हुई थी, को भवन में गई थी, आपने ड्राइंग रूम बनाया, बड़ा मकान बनाया, दूसरे माले का बनाया, पूजा घर बनाया, आप में से किसी के घर पर भी को भवन है क्या? को भवन है क्या? तो दशरथ जी बेवकूफ थे क्या? तो दशरथ जी घर पे सीमेंट ईंट बच गया था, उन्होंने क्या बोले है को भवन बना दो। ताली बजाओ ढंग से, मेरे को जरूरत नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि कुछ चीजें भी ताली बजाने का भी अगली बार साइंस बताऊंगा नहीं तो वो भी चला जाएगा मेरे हाथ से। ताली बजाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, हंसने का वैज्ञानिक कारण क्या है, वो भी बता दूंगा। अभी सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि को भवन क्यों जरूरी है। आप सबकी इच्छा है, ईमानदारी से बताना, आप सबने इतना कमा लिया कि अगर 40 साल तक, 50 साल तक या 100 साल तक, अच्छा खाने में कितना खर्च होता है, ईमानदारी से बेवकूफ मत बनाना, पेट के लिए कर रहे हैं क्या? बेवकूफ बनाते हो, पेट के लिए कर रहे हो, कितना खा सकते हो, एक आदमी कितना खा सकता है? कॉमर्स का, जगदीश जी कॉमर्स का सिस्टम है, जैसे जैसे आदमी की आमदनी में वृद्धि होती है भोजन पे होने वाला खर्च का परसेंटेज कम हो जाता है। सबसे कम खाने पे खर्च करते हैं, अगर 10,000 रुपए आमदनी है तो आप कम से कम 8,000 रुपए खाने पे खर्च करोगे, लेकिन आप कितना परसेंट हुआ? 80%। लेकिन अगर आपकी आमदनी 50,000 हो जाए तो क्या 40,000 खाओगे? 8 से 12,000 खा जाओगे तो कितना परसेंट हो? तो भी कम हुआ। अगर आपकी तनखा 1,00,000 हो जाए तो कितना परसेंट खाओगे? और अगर 10,00,000 हो जाए कितना परसेंट खाओगे? खाने में तो कुछ खर्च होता ही नहीं है, मैं तो बता रहा हूं आपको। जीवन भर परेशान रहने से अच्छा है, आप सबकी इच्छा है हम जितना कमा रहे हमारे बच्चों को मिल जाए। हालांकि आप में से कोई बच्चों को प्रेम नहीं करता, ये बता रहा हूं, अगर बच्चों से प्रेम करते तो आप सब इन कार्यक्रम बच्चों को लेकर जरूर आते।
फिल्म देखने जाएंगे कुछ कुछ होता है, सासू भी जाएगी, ससुर भी जाएगा, सनी लियोनी की फिल्म देखने के लिए पूरा परिवार चला जाएगा, लेकिन राम की कीर्तन करने के लिए अकेले अकेले आके भेट जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, परिवार को छोड़कर कल्याण हो जाएगा, पत्नी को छोड़कर आदमी आ गया, नाते पोते को छोड़कर बुढ़े बुढ़िया आकर बैठ गए। गलत बोल रहा हूं क्या? पर तुम करोगे भी क्या? तुम्हारे कहने से बच्चे आ जाएंगे क्या? क्योंकि बच्चों को तुमने पाला क्या? तुम्हारे बच्चों को टीवी पाल रहा है, टीवी की बात मानेगा बच्चा, तुम्हारी बात क्यों मानेगा? ताली बजाओ जो भी बच्चे आए कम से कम। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, रथ के पास देखा था कई लोग छोटे छोटे बच्चों को ला रहे हैं, राम जी के चरण से सिर लगवा रहे हैं। एक बार गलती से बच्चे ने राम के चरण से सिर लगा लिया, जीवन भर उसके मन में उपलब्धि रहेगी। उसके माँ बाप बताएंगे वो एक बार रथ आया था, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा छोटा भाई तो हमारे पिताजी लेकर गए थे और हमारे संत शांत हो गए थे तो उनकी गोदी में रखकर वापस ले आए थे। बच्चा भी प्रसाद बन जाता है अगर राम के चरणों में सिर झुका दिया, वो बच्चा भी जीवन भर राम प्रसाद बनकर महकता है। अब गलती कर दी आपने, इस बार तो गलती कर दी, अगली बार गलती मत कर। ये तो मैं तो बोलने के लिए आया था, आज तो बोलने का मूड ही नहीं बचा था। जगदीश को मालूम है जब खुद के बच्चे संकट में हो तो मूड नहीं लगता है। रस्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, बच्चे कहीं अंधेरे में खड़े हुए दूर, तो जब महेश जी बुलाने आया तो मैंने कहा महेश जी मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं रथ के पास नहीं बैठता हूँ, लेकिन आज रथ पे बैठा था। मैंने कहा जब तक मेरे छोकरे वापस आके नहीं बैठ जाएंगे तब तक गलत बात है क्या? हमारे अपने बच्चे, हालांकि बच्चे हमारे माँ बाप है, गलत नहीं बोल रहा हूँ। जिन बच्चों को हम समझते हैं तो बच्चे हमसे वो आगे हैं, लेकिन फिर भी इसी को कहते हैं माँ बाप का दिल। और मैं यही बता रहा हूँ कि जब केकई नाराज होके गई तो पहले को बहुत क्यों बनाते थे, एक सिस्टम है आप चेक करना। कभी कभी कोई आदमी 10 मिनट बैठने को तैयार हो ना, कितने लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया, अब आप सब बैठ चुके हैं, खाना बंद करके बता दो, जो खड़े हुए वो भी बैठे जैसे ही हैं। तो देखो कभी कभी आप महसूस करना, कभी कभी किसी व्यक्ति से बात करना, व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने हुए होगा, खूब अच्छी महिला होगी, कपड़े अच्छे पहने, ज्वेलरी पहनी, सब कुछ पहना, लेकिन आपको बैठ के लगता का प्रमोदी आ गया यार, अच्छा अच्छा खासा माहौल किसी व्यक्ति के आने से बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी देखना कोई मेरे जैसे खड़ूस शक्ल का आदमी भी आ जाए ना, और अगर मान लो वो आए तो आपको लगता है थोड़ी देर और बैठना चाहिए। क्यों? आदमी की शक्ल से मतलब नहीं है, कपड़े से मतलब नहीं है। पुराने बुजुर्ग जानते हैं घर में कभी भूत प्रेत की बातें करते हैं या सांप की बातें करते हैं तो बड़े बुरे मना करते हैं, सांप की बात मत करो वो आसपास होगा। गलत, वो आसपास नहीं होगा, वो आसपास है, इसलिए उसके कारण आपके यहाँ बात चल रही है। इसको बोलते हैं तरंग का खेल। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं वेव्स। क्या बोलते हैं? अब हम तो समझदार है ना, बीए पास, एमए पास, डिग्री ले ली, खाक नालायक हो, डिग्री लेने से क्या हुआ? अच्छा बताओ इस बीच की कुर्सी पे, इधर वाली कुर्सी पे कोई बैठा था कुछ देर पहले, अब आपको भूल गए वो कौन बैठा था, लेकिन आपने चूंकि देखा तो आप तो बता सकते हो कौन बैठा हुआ था। लेकिन एक बार बताओ इस कुर्सी पर कोई आए और बैठ के चला जाए, आप प्रधानमंत्री को भी लाके दिखा दो, नासा के साइंटिस्ट से पूछ लो इस कुर्सी पर कौन बैठा था, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन एक काम करो, कुत्ते को ले आओ जो सूंघता है, वो कुत्ता आएगा और यहां सूंघ कर बता देगा कि इस पर कौन बैठा हुआ था। क्योंकि जब व्यक्ति यहां बैठता है और वापस जाता है अपनी पूरी तरंग छोड़ के जाता है। अभी साइंस के हिसाब से कैमरे बन रहे हैं, करेलियन कैमरा बना है, मैं जितना खड़ा हूं मेरे आसपास मेरा कितना स्वरूप है। आप बीमार क्यों हुए, बीमार पड़ने वाले हो, कौन सी बीमारी होने वाली है, उसका नाम है करेलियन कैमरा। यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टाइप दिस कैमरा वर्क, मतलब कैसे वर्क करता है। कई बार देखना आपका सेव फल के पास में वो दो नली और तार होते हैं, ऐसे देखा आपने दो तार होते हैं, उनको रेखी के तार बोलते हैं। आप तुलसी के सामने ले जाओ वो खड़े करो, दोनों तार अपने आप यूं हो जाएंगे, और कोका कोला के सामने करो तो अपने आप। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। अजमेर
शहर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमजी मोबाइल अजमेर, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे आधुनिक मशीनों द्वारा सस्ती दर में मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, साथ ही सभी प्रकार के मोबाइल कवर व एसेसरीज हमारे यहां उपलब्ध है। मोबाइल टूटने से अब क्यों घबराना, चले आना एमजी मोबाइल, स्टेशन रोड केसरगंज, कचेरी रोड अजमेर। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।